विधायक उषा ठाकुर के करीबी विनायक कोठारी ने अपना जन्मदिन ऐसे मनाया जो दूसरों को प्रेरणा दे गया। जन्मदिन पर होटल पब में पार्टी शार्टी करके पैसा उड़ाने वाले तो तमाम हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बिरले होते हैं जो अपने जन्मदिन पर दूसरों को जिंदगी देने जैसा काम करते हैं। ऐसा ही काम भाजपा नेता विनायक कोठारी ने किया है। विधायक उषा ठाकुर के साथ इन्होंने चैतन्य धाम आश्रम पर बच्चों को कंप्यूटर भेंट किया ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। इंदौर के नंदबाग क्षेत्र में चैतन्य धाम आश्रम पर वे बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन अब विधायक उषा ठाकुर, विनायक ठाकुर, प्रशांत तिवारी जैसे लोग हैं। विधायक ठाकुर के ये सभी 34 बच्चे हैं जिनके माता पिता की जवाबदारी ठाकुर ही निभाती हैं। पटनगर विधानसभा क्षेत्र में घर घर से पारिवारिक संपर्क रखने वाले विनायक कोठारी भी चैतन्य धाम के बच्चों के बड़े भाई की तरह जवाबदारी संभालते हैं। कोठारी ने अपना जन्मदिन इन्हीं बच्चों के साथ मनाया। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की इच्छा थी तो कोठारी ने अपने जन्मदिन पर उन्हें कंप्यूटर भेंट कर दिया जो उन लोगों के लिए सीख है जो होटल पब में पैसा बर्बाद करते हैं। आपको बता दें कि विधायक उषा ठाकुर विनायक कोठारी को अपना छोटा भाई मानती हैं, इसलिए व्यस्त होने के बावजूद सब कुछ छोड़कर उनके जन्मदिन पर मौजूद रही। इंदौर के साथ ही बटनगर विधानसभा क्षेत्र में कोठारी का जीवंत संपर्क है। वे चैतन्य धाम आश्रम की जवाबदारी भी संभालते हैं। यहाँ इंदौर में नंदनबाग स्थित चैतन्य धाम है जहाँ पर 34 बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। इन्हें यहाँ पर संपूर्ण सारी शिक्षाएं दी जाती है, उनके खेल शिक्षा हर विभाग पर काम किया जाता है और इसके लिए मैं तहे दिल से मध्य प्रदेश की सबसे दबंग विधायक उषा दीदी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये संकल्प उठाया है और ऐसे कई, ये तो आपने चैतन्य धाम में ऐसा कई सारे जो होंगे जहाँ पे दीदी काम कर रही है और उनके बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही है। तो मैं जितनी भी जनता है उनसे ये आग्रह करूँगा कि आप भी दीदी से प्रेरणा लें और ऐसे सोशल काम में, सोशल वर्क के लिए आप जुड़ें। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जन्मदिन से पार्टी करके सेलिब्रेट करते हैं, डिस्को जाके करते हैं, पर आप अगर अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ मनाएंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी और बहुत अच्छा। ये आज एक्चुअली मेरा जन्मदिन है जिसपे मैंने इन बच्चों को कंप्यूटर दिया है। इस कंप्यूटर से ये शिक्षा के विभाग में और ज़्यादा आगे उन्नति करेंगे और उन्नति करने के लिए मैंने उनको एक छोटी सी उनकी पहल में उनके आगे एक थोड़ा सा मदद करी। मेरा नाम विनायक कोठारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। विनायक को उसके जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उसकी संवेदनशीलता को कि वो इन सब बच्चों के परिवार को अपना परिवार मानता है और आज अपने जन्मदिवस पर ये कंप्यूटर बच्चों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए भेंट कर रहा है। ये चैतन्य धाम आश्रम में, चैतन्य धाम आश्रम 34 बच्चे हैं यहाँ। क्या होता है यहाँ? बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। चैतन्य धाम में उषा दीदी ने बच्चों का लालन पालन ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। वे बहुत ही मुलायम दिल की, वैसे तो दबंग नेता हैं, वो अपना हर चीज़ में मान मनवा कर ही रहती है, लेकिन बच्चों को के साथ अगर देखें तो उनका दिल बहुत ही मुलायम है। उन्होंने बच्चों के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, बच्चों के लिए बड़ा सा घर दिया हुआ है और साफ़ सफाई देखें तो एकदम साफ़ सुथरा आवास दिया हुआ है। आज आपको